उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज सुबह की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल जो है वो आज फिर तेज दिखाई दे रही है। भाजपा में जिस तरह से मंथन चल रहा है पिछले दिनों में लगातार, उसको लेकर फिर से आहट ये है कि भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह राजभवन जा रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है कि योगी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर ये मुलाकात अहम हो सकती है। दिल्ली से संदेश लेकर राज्यपाल के पास पहुंच रहे हैं राधा मोहन सिंह और इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है कि किस तरह से आने वाले दिनों में योगी सरकार में मंत्रिमंडल में क्या परिवर्तन होना है। AK शर्मा को अहम जिम्मेदारी दिए जाने की बात फिर सामने आ रही है और इसी पर इस मुलाकात में भी बातचीत हो सकती है। BJP नेता और राज्यपाल की मुलाकात आज है और इसको लेकर फिर से लखनऊ में माहौल गर्म दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों CM योगी आदित्यनाथ भी राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे, उस वक्त भी कयासबाजी तेज हुई थी, लेकिन बाद में उस मुलाकात को महज औपचारिक मुलाकात बताया गया था। दिल्ली से लौटे प्रदेश प्रभारी आज राज्यपाल से मिल रहे हैं और इस मुलाकात को लेकर अब प्रदेश में कयासबाजी तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में पार्टी आलाकमान ने जो फैसला लिया है, उस फैसले की जानकारी राज्यपाल को देने पहुंच रहे हैं भाजपा नेता। AK शर्मा को अहम मंत्रालय दिया जाना लगभग तय है। CM योगी भले ही AK शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करने को तैयार नहीं है, लेकिन भाजपा आलाकमान ने तय कर लिया है कि AK शर्मा अब अहम जिम्मेदारी संभालेंगे और अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा।